नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का हमारे YouTube चैनल चार्टेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमने टेलीग्राम के ऊपर कुछ स्टॉक दिए थे, उनों के चार्ट की एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, टेलीग्राम पे जहां पे दिया तो वहां पे आपका जो बाइंग लेवल है वो बहुत पहले बन गया था, तब की वीडियो बना के अब हम बता रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए, कौन से स्टॉक का कैसा पैटर्न बना उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस समय लगभग 15:15 हो रहे हैं, 15 मिनट और है मार्केट क्लोज होने में, और इस समय जो भाव चल रहा है वो लगभग 864 रुपये के आसपास चल रहा है GNXL का। तो यहाँ पे हमारा क्या कारण था देने का, तो देखो ये हमारे पास में 950 रुपये इसका हाई था, इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन था ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे, और आज के दिन इसने एक गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप के साथ में इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में हुआ है। तो यहाँ पे गैप अप तो ओपनिंग हुई है, तो मैं तो इस स्टॉक के ऊपर ठीक ठाक बुलिश हूँ। मुझे जो पहला टारगेट है वो यहाँ पे इस 950 रुपये का इस स्टॉक के अंदर आता हुआ बन रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक बार हो सकता है तो इस ट्रेंड लाइन को हमारा GNXL एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ध्यान रखें इस स्टॉक के ऊपर, और अपना ये अगर आज की कैंडल की बात करूँ तो एक स्पिनिंग टाइप की कैंडल हमारी आज के दिन इसकी बन रही है, और जैसे इसका हाई के ऊपर निकलेगा निश्चित तौर पे 950 के टारगेट हमारे GNXL के अंदर आ सकते हैं। अब देखें, आज का जो सेकंड स्टॉक हमने टेलीग्राम के ऊपर दिया था वो था एलिकॉन इंजीनियरिंग का। अब एलिकॉन इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो ये एक अपट्रेंड रहा, अपट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाए, और ये 600 रुपये के आसपास हमारा रेजिस्टेंस था, 600 से लेके 610 का। यहाँ पे एक बार, ये दो बार और तीन बार रेजिस्टेंस ले चुका था, और ये ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट का काम कर रही थी, और जो लो बनते हुए जा रहे हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बनते हुए जा रहे हैं। अगर मैं आज के दिन की बात करूंगा तो एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल के साथ हमको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और लगभग 10 मिनट और बचे हैं मार्केट क्लोज होने में, तो हल्की सी ऊपर से इसमें ये आपको शैडो नज़र आ रही होगी, ये वाली ये हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है इसके अंदर, और लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर भी जो हमने लगभग 715 तक के टारगेट दिए थे वो टारगेट जरूर आ सकते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग के अंदर, और अगर आपको खरीदारी करनी है इस स्टॉक के अंदर तो आज का जो हाई बनता हुआ जा रहा है अपना लगभग 637 रुपये आज का हाई था, अगर इस हाई के ऊपर निकलता है कल तो आप निश्चित तौर पे एलिकॉन इंजीनियरिंग के अंदर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, डिस्क्लेमर है, जितने भी ये मैं स्टॉक के चार्ट यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ एक एजुकेशन के मकसद से, खरीदारी विकारी करने की मेरी कोई राय नहीं है। अब अगर आपने कल का जो हम लाइव आए थे, लाइव के अंदर हमने एक स्टॉक के बारे में बात करी थी, स्टॉक का नाम था हाई टेक गियर, उसमें देखिए तो आज 10% का एक सर्किट लगा है, तो उसके चार्ट को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हाईटेक गियर का डे चार्ट है, और हमने लाइव के अंदर कहा था कि हाईटेक के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, इसके लिए जो 400 रुपये के आसपास का ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, ये 400 से लेके और लगभग यहाँ पे 320 इसका एक यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बना लिया था, जिसका भी ब्रेकआउट आज होता हुआ हमको नजर आया है, और ये ब्रेकआउट एक वॉल्यूम के साथ में हुआ है। हाईटेक गियर को देखेंगे तो देखिए, पहले यहाँ पे ये एक हमको ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जैसे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक 260 से लेके 400 हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको स्टॉक के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, और आज के दिन लगभग 10% के सर्किट पे ये स्टॉक ऊपर है। तो अगर कल आज का जो हाई है वो था लगभग 412 रुपये का, अगर 412 के ऊपर कल निकलता है तो हाईटेक गियर के ऊपर भी आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो, टारगेट 500 का रहेगा, उसके बाद 600 का रहेगा। और एक बात और दोस्तों, हाईटेक गियर का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 50% की तेजी इस स्टॉक के अंदर आती नजर आ सकती है, तो इसके ऊपर हम एक अलग से पूरे वीडियो बना देंगे हाईटेक के ऊपर, उसके चार्ट की एनालिसिस करके कि कैसे पैटर्न हाईटेक के अंदर बन रहे हैं देता हूं। आप देखिए, कुछ स्टॉक है जिन्हों को मैंने टेलीग्राम पे तो नहीं दिया, देखिए स्टॉक की भी देने की संख्या लिमिट होती है, अब ये तो है नहीं कि मैं बहुत सारे स्टॉक दे दूं, आप सभी के अंदर निवेश कर लो। और यहाँ पे स्टॉक है रेटगन टेक्नोलॉजी का, तो इसके ऊपर मैंने आज खुद खरीदारी कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, और आज ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट हुआ इसके अंदर, 451 रुपये इस स्टॉक का भाव चल रहा है, और निश्चित तौर पे ये जो हाई थे ये हाई के टारगेट हमको यहाँ पे रेडगन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट नहीं किया, लेकिन मैंने इसके अंदर खरीदारी करी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी स्टॉक के बारे में बात करी है, अगर आपको जरूर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो चार्ट के ऊपर आपको पहले से ही खरीदारी के मौके मिल सकें।